हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का निर्माण एजुकेशनल इंडिया चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और उसका नाम है पाठ्यचर्या के निर्माण की मुख्य समस्या असमानता बहुसांस्कृतिक एवं बहुभाषिता है, इसको स्पष्ट करना है। तो आज हम लोग समझेंगे कि जब करिकुलम का निर्माण किया जाता है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती है। असमानता आती है, बहुसांस्कृतिक ये भी आता है, बहुभाषिता भी आता है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है क्या है, विविधताओं का देश है। यहाँ पे अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अनेक प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार की भाषाएँ, यहाँ पर कदम कदम पर भाषाएँ वेशभूषा बदलती रहती है। तो इस प्रकार करिकुलम निर्माण में बहुत सारी समस्या आती है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना पे आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है 2021 के BEd सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोर्स 8 है, नॉलेज एंड करिकुलम। सो आप लोग पूरा वीडियो देखें, और वीडियो देख आप एकदम आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित होगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे आगे का वीडियो डालें तो आप तक पहुंच पाए, उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो इस प्रकार प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो केवल सुन लीजिएगा, देखिएगा भी नहीं तो आपके क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाएगा। अब हो नहीं सकता है, इस साल पूरा चांस है टॉपिक आने का, चूँकि प्रीवियस ईयर का है, समझे। तो चलिए हम लोग अब मेन पॉइंट पर आते हैं, प्रस्तावना। असमानता जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी स्तर पर विद्यमान होती है। देखिए, जो असमानता होती है ना, उसको नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर हो रहा है चाहे यहाँ पर नहीं हो रहा है। हर जगह असमानता पाई जाती है। अगर असमानता नहीं पाई जाती तो हर देश में विद्रोह नहीं हुआ रहता। देखिए, नस्लीय भेदभाव के कारण अमेरिका में भी आंदोलन हुआ था कि नहीं, आप लोग कहानी सुने होंगे रोजा पार्क्स की, कि उनको कैसे सीट पर से उठाया गया। मतलब वहाँ पे अमेरिका में जो अफ्रीकन रहते हैं ना, उन लोग के साथ शुरू से बहुत भेदभाव होता रहा है। तो उनको काला अमेरिकन कहा जाता है, जो गोरे हैं वो उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो इस नस्लीय भेदभाव के कारण वहाँ पे भी आंदोलन हुआ था। इंडिया में तो असमानता इतना व्याप्त है कि आप प्राचीन ग्रंथों में देखिए, मनुस्मृति में पढ़िए, उसमें भी यही लिखा गया है कैसे औरतों को नीचे देखा गया है। आप लोग देखिएगा कि ऋग वैदिक काल तक तो ठीक था, लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आया, कैसे शूद्रों की स्थिति और स्त्रियों की स्थिति कितनी बदतर हो गई। आज भी देखिए, लाखों की संख्या में घर में ही लड़कियां मार दी जाती है, लड़की है ये जानकर। तो आज भी असमानता व्याप्त है, चाहे लाख हम लोग डेवलप कर गए, लेकिन असमानता आज भी जाती नहीं। आज भी पुरुष प्रधान समाज में बस पुरुषों की चाह है। बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन 2-3 बेटी हो गई तो फिर बहू को ताने देने लगते हैं एक पुत्र के लिए। तो कहीं ना कहीं आज भी असमानता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे कि विभिन्न स्तरों पर पाया जाता है, चाहे शारीरिक रूप हो, मतलब शारीरिक रूप से भी असमानता होता है। क्या सभी लोग एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे नहीं है। शारीरिक विभिन्नता भी पाई जाती है भौगोलिक निवास में। भौगोलिक तो बहुत विभिन्नता है, आप यहीं चले जाइए शिमला, वहाँ का अलग है। फिर यहाँ बिहार में आइए, यहाँ का अलग है। चेन्नई चले जाइए, वहाँ का अलग है। हर जगह का भौगोलिक स्थिति अलग है। कर्क रेखा के पास रहने वाले लोगों की देखिए, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए कि कर्क रेखा के आसपास वाले जो भी इलाके हैं, ठीक है। तो ये क्या है, असमानता ही तो है। वहीं ऊपर लद्दाख के पास चले जाइए, कश्मीर में, तो उधर का वातावरण देख लीजिए कैसा रहता है, ठंडा रहता है, इसलिए तो ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है उसको, लद्दाख को। मनोसामाजिक तत्व तथा मानसिक योग्यता सभी में हम असमानता पाते हैं। तो इस प्रकार देखिए, मनोसामाजिक रूप से, मेंटल रूप से भी हम लोग अलग अलग होते हैं। क्या सबकी मानसिक स्थिति एक जैसी होती है? नहीं, एक जैसी नहीं होती है। सभी व्यक्तिगत रूप से विभिन्न होते हैं, इसका भी क्या, तो ये क्या है, सभी स्तर पर असमानता है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले अपनी जाति से अपनी पहचान मानता है। देखिए, हमारा भारत ऐसा देश है कि आप कहीं जाइएगा, चाहे ट्रेन में बैठे हैं या कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो कोई पूछेगा आपका नाम क्या है। यदि आप बताइएगा कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम मतलब
नरेंद्र है, तो पूछेगा अरे पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए, पूरा नाम बताइए। मतलब वो लोग को डर रहता है कि अरे कहीं मेरे बगल में कोई शूद्र तो नहीं बैठ गया है। तो कहने का सेंस है कहीं ना कहीं जातिवाद है, असमानता है। वहीं जब बता दीजिएगा कि मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, नरेंद्र पंडित है, तो मन में सोचेगा लो ठीक है। अगर बताइएगा कि मेरा नाम नरेंद्र राम है, तो वहाँ पे जो व्यक्ति बैठा रहेगा उस कास्ट का, वो उठ के अलग चला जाएगा, अरे कहाँ से मेरे पास आकर बैठेगा। तो कहने का सेंस है कहीं ना कहीं कितनी बड़ी असमानता है, इसको समझिए। और आप लोग सभी समझते होंगे कि कितनी बड़ी समानता है। तो यहाँ क्या कहा जाता है, जब तक आप लोग पूरा नाम नहीं बताइएगा तब तक आपका पहचान नहीं माना जाएगा, ठीक है। जाति की घटना भारतीय समाज में गहराई तक फैली हुई है। देखिए जातिवाद की जो घटना है ना, पूरा जकड़ी हुई है हमारे समाज में, ठीक है। और इसको अभी तो थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन पूरी तरह कम होना अभी संभव नहीं है। भाषा असमानता का एक अन्य आधार है। भाषा जो होती है असमानता का बहुत बड़ा बेस होती है। कभी कभी भाषा विवाद का कारण बन जाती है। देखिए हमारा जो भाषा है कभी कभी क्या होती है, झगड़ा का भी कारण बन जाती है। और चूंकि अब भाषा, अलग भाषा वाला इंसान वहाँ बैठा रहेगा और एक मानिए कि वहाँ सब चेन्नई से कोई आया इंग्लिश बोल रहा है, मतलब उधर से तमिल उमिल, वहाँ पे कोई एक हिंदी बोलने वाला है, तो क्या उसको थोड़ा सा है दृष्टि से देखेगा लोग, अरे कहाँ से बिहारी आ गया, कहाँ से यूपी का आ गया है। तो भाषा का विवाद का भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। भारत में भाषाई आधार पर बहुत से राज्य हैं। देखिए भारत में क्या है, भाषाई आधार पे बहुत से राज्य हैं। धार्मिक अंतर भी असमानता का एक बड़ा कारण कहा जाता है। धार्मिक जो अंतर है वो भी असमानता का क्या है, एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखिए जो हिंदू लोग हैं वो अपने आप को बड़ी साफ़ सुथरा समझते हैं, बोलेंगे अरे हम तो बहुत साफ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम हैं तो साफ नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार एक दूसरे को क्या होता है, मतलब हे की दृष्टि से देखेंगे। अब हिंदू के प्रति मुस्लिम के मन में भेदभाव और मुस्लिम के प्रति हिंदू के, तो क्या एक दूसरे के प्रति जो ये असमानता है ये भी क्या है, बहुत बड़ी असमानता है, ये भी एक विवाद है। अब जो मुस्लिम बच्चे हैं वो एक साथ रहना चाहेंगे, हिंदू बच्चे एक साथ रहेंगे, तो क्या विवाद नहीं है, ये भी एक असमानता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। असमानता प्रकृति तथा मानव निर्मित दोनों स्तर पर हो सकती है। देखिए असमानता ये नहीं है कि केवल इंसानों के बीच में ही हो सकता है, यह प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है तथा मानव निर्मित भी हो सकता है, मतलब मानव द्वारा भी हो सकता है, प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है। देखिए असमानता हम लोग समझेंगे, मानव निर्मित क्या है, प्रकृति रूप से क्या है। प्राकृतिक जो असमानता करती है उसमें है आपको भौगोलिक जैविक, क्या है भौगोलिक जैविक। भौगोलिक का मतलब होता है जियोग्राफिकल, मतलब ज्योग्राफिकल रूप से अलग होना। जैसे लद्दाख का अलग है सिचुएशन चेन्नई का, आप लोग तमिलनाडु जाइए या केरला जाइए वहाँ का अलग है। तो इसका मतलब क्या है, भौगोलिक रूप से अलग है। जैविक, जैविक का मतलब होता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल रूप से भी हम लोग अलग अलग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए मानव निर्मित में क्या क्या आता है, मानव निर्मित में आपको आता है धार्मिक सामूहिक। देखिए मानव निर्मित में धर्म के आधार पर भी असमानता है। जैसे कई धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, जैन है, बौद्ध धर्म है, अनेक प्रकार के धर्म है। फिर कम्युनिटी भी अलग होता है, अब धर्म अलग है तो उनका अलग अलग कम्युनिटी भी हो जाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, जैनिज्म कम्युनिटी, हर अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इस सामूहिक कम्युनिटी को कैसे बैठा गया है, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर। देखिए भाषा अलग अलग है तो भाषा के आधार पर समानता है, जाति अलग अलग है जाति के आधार पर असमानता हो जाती है, सामाजिक जब जाति अलग रहेगा, भाषा अलग रहेगा, धर्म अलग रहेगा, तो क्या सामाजिक रीति रिवाज भी अलग रहेगा। अब जो हिंदुओं का रीति रिवाज है वो मुस्लिमों का नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो भाषा, जाति, सामाजिक, आर्थिक रूप से भी है, कोई मानिए मिडिल क्लास है, कोई अपर क्लास है, अंबानी है आर्थिक रूप से बहुत एकदम स्ट्रांग है, बहुत अमीर है,
कोई है बहुत गरीब है, रोज मजदूरी करता है तो कुछ कमाता है, घर का खर्चा चलता है, तो क्या है ये आर्थिक असमानता है। अब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए ये जो पेज है थोड़ा सा महंगा मिलेगा, मतलब थोड़ा सा मेरा बाबू है पेन से खींच दिया, अब क्या करें। अब आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देख के इसको अच्छे से लिख लीजिएगा लो, बट पता चल जा रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। असमानता के बारे में अंबेडकर परिभाषा, देखिए असमानता के बारे में अंबेडकर का क्या परिभाषा है इसको हम लोग समझेंगे। असमानता में समाज के ऊपर के पायदान के लोगों के प्रति सम्मान बढ़ता जाता है और निचले पायदान के लोगों के प्रति अवमानना या अवहेलना बढ़ती जाती है। अंबेडकर जी का कहना, अंबेडकर जी का नाम कौन नहीं जानता है, दलितों के नेता थे, बहुत पढ़े लिखे थे और उन्होंने अपना आंदोलन भी चलाया था कि दलितों के साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं उनके बारे में कि कितना जातीयता की जाती थी, कितना उनके साथ भी किया गया था। वो महाराष्ट्र के थे, महार जाति के, तो वो तो ऐसी दुर्गति से गुजरे थे। तो उन्होंने असमानता के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उन्होंने एक असमानता के अपना ही परिभाषा दिया जिसको कहा जाता है अम्बेडकर का परिभाषा। उसमें देखिए उनका कहना है कि असमानता में क्या होता है, समाज में जो ऊपर पायदान के लोग हैं, ऊपर पायदान का मतलब होगा राजपूत ब्राह्मण, इनके प्रति लोगों का क्या होगा, सम्मान बढ़ता जाएगा और जो निचले पायदान के लोग हैं, शूद्र हो गए, चंडाल हो गए, लोगों के प्रति लोगों का क्या होगा, अवमानना अवहेलना बढ़ती जाएगी, उनके प्रति अपमान की भावना रहेगी लोगों में, इसी को तो असमानता कहते हैं। ऐसा अम्बेडकर जी ने परिभाषा दिया था। अब आगे हम लोग समझेंगे, इन परिभाषाओं का कंक्लूजन करेंगे। उपरोक्त सभी असमानताएं पाठ्यचर्या के निर्माण में समस्या पैदा करती है। देखिए ये जो सारी परिभाषाएं हैं असमानता के बारे में, ये क्या है, एक करिकुलम जब निर्माण किया जाता है तो बहुत बड़ी समस्या उठ के खड़ी होती है, जिस पर हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट आज उसको डील करेंगे, उसको व्याख्या करेंगे, ठीक है, समझेंगे। पाठ्यचर्या द्वारा छात्रों में लिंग समानता लाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं। देखिए ये जो लिंग के आधार पर असमानता है, जाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर, तो करिकुलम का क्या दायित्व है, करिकुलम निर्माता जो हैं वे जो करिकुलम तैयार करते हैं तो उनका दायित्व होता है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि इस करिकुलम के द्वारा इन असमानताओं को क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो देखिए अब समानता उनमें क्या समस्याएं आती है और क्या वे प्रयास करते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पाठ्यचर्या बनाते समय लैंगिक नीति निर्माताओं को बालक बालिकाओं वर्ग समूह को अलग से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। देखिए करिकुलम जब बना रहे होते हैं करिकुलम निर्माता, तो उस समय क्या करना चाहिए, जब वो बनाए तो ये नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट बालक बालिकाओं को अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि अब देखिए कोई कहता है कि अरे लड़के बड़े तेज होते हैं मैथ में, लड़कियां बकलोल होती हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब क्या है रूढ़िवादिता है, स्टीरियोटाइप विचारधारा है, लड़कियां भी मैथमेटिक्स पढ़ सकती हैं, अलग बात है, अलग बात है कि घर वाले उनको अवसर नहीं देते हैं, ठीक है, घर के काम काजों में ही फंसा कर रखते हैं, उसके बाद शादी ब्याह कर देते हैं और घर के लोग ही बोल देते हैं अरे तुम लड़का है कितना पढ़ेगी, अरे लड़का पढ़ेगा तुम्हारा तो शादी ब्याह में खर्चा लग जाएगा, तो क्या है असमानता ही तो है। तो करिकुलम निर्माता कम से कम इसका ध्यान रखे कि जो भी करिकुलम तैयार कर रहे हैं उसमें बालक बालिका वर्ग समूह में अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि उसी में एक ही करिकुलम में क्या होना चाहिए, दोनों को समानता की नज़र से देखा जाना चाहिए। सेकेंड टॉपिक पे हम लोग विचार करेंगे गणितीय वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है जैसे विषय है, पर बालक समूह का आधिपत्य होता है। देखिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहिए या मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कहिए, इन पर
हमारे समाज की एक बहुत ही घटिया विचारधारा है कि इसमें बस लड़के ही जा सकते हैं, केवल लड़के ही इंजीनियर बन सकते हैं। अरे कोई बात है कि लड़के ही बन सकते हैं, लड़कियाँ काहे नहीं बन सकती है। आखिर भगवान तो लड़का लड़की को अपने यहाँ से बना के भेजे, तो जैसे उसके पास दिमाग है इसके पास भी दिमाग है, तो फिर भेदभाव कैसा। लेकिन हमारा समाज परिवार ऐसा भेदभाव बना दिया है, तो कोई क्या करेगा, इसको बस ख़त्म करने का विचार किया जाएगा। बालिकाओं को पाठ्यचर्या के इन विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, जो मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी साइंस में जो घटिया विचारधारा है कि केवल लड़के ही जा सकते हैं, तो करिकुलम द्वारा कम से कम लड़कियों को ऐसा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और कि उनके गार्जियन इस क्षेत्र में उनको भेजे, वो भी पढ़े। ऐसा नहीं माना जाए कि बस लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। अब थर्ड नंबर टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, विषय चयन में परिवार अध्यापक सहयोगी समूह द्वारा बालिकाओं को प्रेरणा उत्पन्न करना। देखिए, घर परिवार की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चियों को प्रोत्साहन दे कि तुम मैथ में अच्छी कर सकती है, तुम भी इंजीनियर बन सकती है, तुम भी साइंटिस्ट बन सकती है, तुम भी साइंस ले सकती है। ऐसे घर के लोगों को, साथियों को, फैमिली को, टीचर को, सबको ऐसे मोटिवेट करना चाहिए। बच्चों को, बालिकाओं को मोटिवेट करना चाहिए, ऐसे हीन भरा नहीं दिखा, अरे तुम लड़की है मैथ नहीं पढ़ सकती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फोर्थ नंबर है नृत्य गायन अभिनय एवं कला। देखिए, नाचना गाना हो गया, कला दिखाना हो गया, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, बहुत ऐसे घरों का विचारधारा होता है, लड़कियाँ होती है कोई इंटरेस्ट होती है कि भाई हमको डांस करना है, तो पुराने विचारधारा वाले लोग कहते हैं अरे नचनिया बनेगी, नाच करेगी, लोग के सामने नाचेगी। तो क्या ऐसे विचारधारा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उनको यदि इंटरेस्ट है तो भाई भेजिए, वो क्यों नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भाग ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती है। तो ऐसा मोटिवेट करना चाहिए परिवार के लोगों को। अब आगे का जो चैप्टर है, अब आप लोग को सब चैप्टर फ्रेश मिलेगा, ठीक है। वहाँ एक चैप्टर में थोड़ा सा समस्या था, आप देखिए अब यहाँ से आपको बहुत ठीक मिलेगा। अब देखिए, एक समस्या अब आ गया, बहुसांस्कृतिक का मतलब आप लोग समझते हैं। हमारे इंडिया में क्या है, बहुसांस्कृतिक है, मैंने विभिन्न कल्चर है, सभी कल्चर के लोग रहते हैं। देखिए, हिंदुओं का अलग कल्चर है, मुस्लिम का अलग कल्चर है, जैनियों का अलग कल्चर है, बौद्ध जो बुद्धिस्ट है उनका अलग कल्चर है। वहीं पर आप देख लीजिए, बहुत लोग महाराष्ट्र साइड में, उस साइड में ईरानियन भी रहते हैं, उनका अलग कल्चर है। जैसे स्मृति ईरानी, ये लोग ईरान से आया हुआ यहाँ पर बस गया है। तो सब ये जो विभिन्न कल्चर वाले लोग होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, बहुसांस्कृतिक कहा जाता है। तो देखिए, ये भी कैसे समस्या बनकर आता है, कैसे उसको निदान करना चाहिए पाठ्यचर्या निर्माता को, इसको हम लोग समझेंगे। पाठ्यचर्या निर्माण में बहुसांस्कृतिक भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो एक करिकुलम निर्माता के लिए क्या होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है कि इतना कल्चर अलग अलग है तो हम कैसे बनाए करिकुलम। हम सभी जानते हैं भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी एवं बहुधार्मिक समाज है। देखिए, इसको तो बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, आप लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी एवं बहुधार्मिक है। यहाँ पे अनेक कल्चर हैं, अनेक भाषाएँ हैं और अनेक धर्म हैं, इससे हम सारे परिचित हैं। प्रत्येक क्षेत्र और राज्य की भी अपनी विशेष पहचान है। देखिए, हमारे देश में जितने राज्य हैं सबकी देखिए अलग पहचान है। बिहार है उसका अलग पहचान है, यूपी है उसका अलग पहचान है, एमपी है उसका अलग पहचान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ये जितने देश है सबका अपना एक अलग पहचान है, अलग संस्कृति है। वहीं पर देख लीजिए, आप दक्षिण में जाइए, आपको तमिलनाडु है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से, उसमें सूर्य की उपासना की जाती है नए वर्ष के मतलब उपलब्धि में। वहीं आप लोग चले जाइए केरल में ओणम मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से, और उसमें क्या किया जाता है, नाव प्रतियोगिता की जाती है। तो देखिए, सारे स्टेट के अपने अलग अलग कल्चर है कि नहीं, तो सबका अलग कल्चर है, अलग नियम है, अलग परम्परा है।
प्रत्येक क्षेत्र और राज्य की अपनी अपनी विशेष पहचान है। पाठ्यचर्या निर्माण करते समय भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति शिक्षा शास्त्री प्रविधियों में ही झलकना चाहिए। देखिए, हमारे जो महान शिक्षा शास्त्री है, वे जब करिकुलम तैयार करे तो कम से कम इन बातों का ध्यान रखे कि हमारा जो समाज बहुसांस्कृतिक है, बहुलवादी है, तो क्या उनके उनकी भावनाओं को ठेस न पहुँचे, ऐसा करिकुलम निर्माण करना चाहिए। और करिकुलम निर्माण ऐसा हो जो उनके परिवेश समाज से संबंधित हो, किसी के धर्म को, किसी के जाति को ठेस न पहुँचे, किसी भी समुदाय को ठेस न पहुँचे, किसी भी भावना को, किसी भी भावनाओं को, भावनाओं को क्या हो आघात न पहुँचे, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यचर्या निर्माण की इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि उन विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भों में झांका जाए जिनके बीच एक छात्र स्थित है। देखिए, करिकुलम निर्माता जो है, अगर चेन्नई के लिए कर रहा है, तमिलनाडु, मद्रास, उधर के लिए करिकुलम तैयार कर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा उसी स्थिति में रहता है जैसा वहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है, तो करिकुलम भी क्या होना चाहिए उसी के अनुसार तैयार होना चाहिए। आदिवासी समाज से लेकर उस सामाजिक आर्थिक स्तर के शहरी क्षेत्रों तक बहुत हद तक भिन्नता होती है। देखिए, अब आप लोग मध्य प्रदेश में आदिवासी इलाका में जाइए, चाहे झारखंड के जाइए, छोटा नागपुर में, तो क्या और गोवा का एक ही जैसा कार्यक्रम तैयार किया जाएगा? नहीं। गोवा है, सिक्किम है, ये सब क्या है, पूरा शहरी है। सिक्किम में तो कहा जाता है गाँव ही नहीं है, तो यहाँ पे गोवा भी पूरा शहरीकरण है, सिक्किम का पूरा शहरीकरण है, तो वहाँ का करिकुलम अलग होगा। एमपी के लिए, झारखंड के लिए, बिहार के लिए करिकुलम तैयार करें, इस पर यहाँ की जातियों को ध्यान रखा जाएगा। तो आदिवासी समाज से लेकर वो सामाजिक आर्थिक स्तर के शहरी क्षेत्रों तक बहुत हद तक भिन्नता होती है। देखिए, अब यहाँ पे भिन्नता होगी कि नहीं, कहाँ गोवा पूरा शहरीकरण है, मध्य प्रदेश आ जाइए, बिहार में आ जाइए, कितने गाँव है, तो ये भिन्नता है कि नहीं, तो करिकुलम निर्माता को तो इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो ये भी क्या है जिससे पाठ्यचर्या निर्माण में बहुत बड़ी समस्या आना स्वाभाविक है। पाठ्यचर्या में एक समान यांत्रिक तरीकों से ज्ञान प्राप्ति करने के बजाय सांस्कृतिक तरीकों जैसे कहानी, कथन, नाटक, कठपुतली, लोकनाट्यक, सामुदायिक जीवन आदि पर ज्ञान प्राप्ति की सुदृढ़ नींव रखनी चाहिए। देखिए, पाठ्यचर्या जब निर्माण किया जा रहा है तो ये नहीं कि बस यांत्रिक तरीकों, माने बस कंप्यूटर टीवी का यूज किया जाए, बल्कि उनके सांस्कृतिक तरीकों भी को भी अपनाया जाए। मात्र कंप्यूटर दिखा रहा है बच्चों को, टीवी मतलब कंप्यूटर से पढ़ा रहा था नहीं, बल्कि बच्चों को क्या उनके जो संस्कृति से संबंधित जो कथा है, नाटक है, कठपुतली लोकनाट्य है, उनके जो सामुदायिक जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ संस्कृति है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा करिकुलम निर्माण करना चाहिए जिससे बच्चा का क्या हो, भाषा की समृद्धि होगी। संस्कृति विशिष्टता उन प्राप्ति की प्रणालियों से जुड़नी चाहिए, और इस प्रकार उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है, सांस्कृतिक विशिष्टता है, उस ज्ञान की प्रणालियों से क्या होना चाहिए, ऐड होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। अब देखिए, उसके बाद जो जनजातीय ग्रामीण शहरी जातिगत समूहों और समुदायों के लिए विकसित की जानी चाहिए। इस प्रकार जनजातीय हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे शहरी हो, चाहे जातिगत हो, जो भी कम्युनिटी है, सभी के लिए क्या होना चाहिए, विकसित करना चाहिए, विकसित करने वाला करिकुलम होना चाहिए। इसमें आनंदपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, स्थानीय संदर्भों की सहभागिता, उनके त्यौहार, उत्सव, जीवन शैली को समझाने के लिए अवसर मिलेंगे। देखिए, जब करिकुलम तैयार किया जाएगा, उनके उनके संस्कृति को ध्यान में रखा जाएगा, तो इस उनके बीच क्या होगा, सहभागिता बढ़ेगी, वे अपने त्यौहार मनाएंगे, वे अपने जीवन शैली को समझेंगे, इसका उनको अवसर मिलेगा। ज्ञान प्राप्ति को संस्कृति की भूमिका को वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। देखिए, ये जो ज्ञान प्राप्ति है उसके बारे में तो आप लोग हम लोग जान चुके हैं, पिछले वीडियो में ही हम लोग बात किए थे कि कैसे वाइगोत्स्की ने इस पर क्या किया, अपना पूरा मतलब ध्यान दिया कि एक बच्चे के भाषा समृद्धि में कितना ज़्यादा रोल है सोशल कल्चर का, सोशल कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है ज्ञान प्राप्ति में। तो इसका एक नंबर हम लोग समझेंगे, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो वाइगोत्स्की का क्या मानना है, वाइगोत्स्की का मानना है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही घटित होता है, वो हमारे
समाज में ही घटित होता है तथा उससे प्रभावित भी होता है और उसे क्या होता है प्रभावित भी होता है। बच्चों में अधिकांश महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशलों का विकास माता पिता शिक्षक तथा अन्य लोगों के साथ अंतक्रिया पर निर्भर करता है। देखिए बच्चों में जो अधिकांश जो होती है जो कौशलों का उनमें जो विकास होता है ठीक है वो किससे होता है फैमिली से होता है। फैमिली में कौन होते हैं माता पिता दादा दादी टीचर से होता है और लोगों और अपने साथियों के बीच जो इन लोगों के बीच वो बच्चा अंतःक्रिया करता है उसी से उसका क्या होता है कॉग्निटिव और सामाजिक सभी प्रकार के डेवलपमेंट होता है। ऐसा भाई घोष की कमना है। संस्कृति ज्ञान अर्जन में सहायक होती है और ये जो कल्चर क्या होती है ज्ञान अर्जन में बहुत बड़ा सहायता करती है सहायक होती है। बचपन से ही बच्चों के उपलब्ध परिवेश तथा उसमें रहने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण सदस्यों का उसके विकास में प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। देखिए एक बच्चा रहता है न्यूक्लियर फैमिली में या ज्वाइंट फैमिली में तो हम लोग जानते हैं कि ज्वाइंट फैमिली में ज़्यादा सदस्य होंगे दादा दादी चाचा चाची मम्मी पापा तो उसमें बच्चे क्या होगा ज़्यादा लोगों से अंतक्रिया करेगा। वहीं न्यूक्लियर फैमिली में एक मम्मी पापा रहेंगे दोनों जॉब करने चले जाएंगे तो बच्चे क्या होगा ज़्यादा टीवी के साथ रहेगा टीवी कंप्यूटर गेम वगैरह खेलेगा तो उस बच्चे की अपेक्षा जो ज्वाइंट फैमिली में बच्चा रह रहा है उसका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ऐसा वाई घोष की मानते हैं क्योंकि जो जटिल कार्य बच्चे अकेले नहीं कर पाते हैं वही कार्य आसपास के लोगों को करते हुए देखकर उनके निर्देशन में आसानी से संपन्न कर लेते हैं और इस प्रकार संस्कृति ज्ञान अर्जन में सहायक होती है। बचपन से बच्चों का उपलब्ध परिवेश तथा उसमें रहने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण सदस्यों का उसके विकास पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है। तो देखिए संस्कृति जो अर्जन होती है वो समाज में होती है और समाज में बच्चे जितना अंतक्रिया करेगा ज़्यादा सीखेगा ठीक है। तो जो जटिल कार्य बच्चे अकेले नहीं कर पाते हैं वहीं आसपास के लोगों को करते हुए देखकर उनके निर्देशन में आसानी से संपन्न कर लेते हैं। देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बच्चे सिखाने से नहीं सीखते बच्चे देखकर सीखते हैं। अब बच्चे को कोई ज़बरदस्ती काम ला दिएगा कि ये करो करो बच्चा नहीं करेगा लेकिन यदि बच्चा देखेगा तो श्योर करेगा। तो कहने का मतलब है जब बच्चा समाज में रहेगा विभिन्न लोग रहेंगे विभिन्न प्रकार के देखेगा हर उद्देश्य मतलब देखेगा कैसे कैसे लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चे भी वैसा सीखेगा आसानी से सीखेगा। अतः राष्ट्र की एकता को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सांस्कृतिक विरासत परंपरा और देश की विभिन्न जातियां एवं क्षेत्रीय समूहों के इतिहास में इनका योगदान को पाठ्यचर्या में स्थान मिले ताकि देश के बहुनिष्ठ समाज और उसकी सामाजिक सांस्कृति की प्रकृति को सही ढंग से समझने में मदद मिल सके। यहाँ हम लोग समझेंगे कि राष्ट्र की जो एकता है राष्ट्र की एकता को यदि आप सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए जो सांस्कृतिक जो विरासत है परंपरा है और देश की विभिन्न जो यहाँ पे जातियाँ हैं जो विभिन्न क्षेत्रीय समूह हैं सबके इतिहास को ध्यान में रख के करिकुलम बनाना चाहिए जिससे बहुनिष्ठ समाज उसकी सामाजिक संस्कृति की प्रकृति को सही ढंग से समझने में मदद मिले। देखिए हमारा जो बहुसांस्कृतिकता है अलग अलग जो संस्कृति है तो एक करिकुलम निर्माता को समझना चाहिए कि विविधता जो है हमारा देश विविधता में एकता का देश है यहाँ पे जो भी विविधताएँ हैं वे हमारे लिए एक समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा करिकुलम निर्माता को नहीं मानना चाहिए कि अलग अलग जो संस्कृति हमारे लिए एक क्या है मतलब समस्या है नहीं उनको मानना चाहिए ये डेवलपमेंट का एक कारण है। जैसे खुद हमारे पास 5 उंगलियाँ हैं यदि एकदम पूरा बराबर है क्या हम कोई काम कर सकते नहीं कर सकते लेकिन यदि बराबर नहीं है कोई छोटी है कोई लंबी है तो इससे क्या होता है कोई भी चीज़ को हम आसानी से पकड़ सकते हैं। यदि पूरी उंगली बराबर है तो कोई काम हम लोग नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक जो विभिन्नता है वो हमारे लिए वरदान है।
क्योंकि हम एक दूसरे के संस्कृति से कुछ सीखेंगे, तो करिकुलम निर्माता को मानना चाहिए कि अलग अलग संस्कृति के जो लोग हैं एक दूसरे से नफरत की भावना को से न देखें, बल्कि एक दूसरे के संस्कृति धर्म को सम्मान के दृष्टि से देखें और उनके दृष्टि उनके जो संस्कृति है उनसे कुछ सीखें। ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, एक विविधताओं का जो देश है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भाषा वृद्धि के लिए। हम एक ही देश में रह के अनेक भाषाएं सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में देखिए कितनी भाषाएं बोली जाती है, बहुत भाषाएं बोली जाती है। चले जाइए आप दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में तमिल हो गया आपको, फिर आप आइएगा इधर केरला में, वहाँ तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, ये सब क्या भाषा, अलग अलग भाषाएँ हैं कि नहीं। तो ये हमारे एक वरदान होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे बहुभाषावाद। बहुभाषावाद में भी क्या समस्या आती है और कैसे इसको हम लोग एक वरदान बनाए, ब्लेसिंग्स बनाए, असमानता का कारण न माने। कहा जाता है भारत विविधताओं में एकता का देश है, यहाँ कई भाषाएं बोली जाती है। आज भूमंडलीकरण एवं सांस्कृतिक खुलेपन की वजह से भी बहुभाषिता एक सामाजिक आवश्यकता बनती जा रही है। देखिए यहाँ भूमंडलीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। आज हम लोग देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन हो गया है, यानी वैश्वीकरण हो गया हमारे देश का, और किसी भी जगह का संस्कृति या कल्चर जानना है एकदम इजीली हम लोग जान सकते हैं, सोशल मीडिया हो गया, गूगल हो गया है। तो ये भी क्या है, बहुभाषिता की सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता बनती जा रही है। अब मानिए कि जिसको जापान जाना है, इंडिया का है, तो क्या उसको जापानी सीखना नहीं पड़ेगा, तो क्या हुआ उसमें भाषा का विकास हुआ। मानिए कि कोई इंडिया से इंजीनियर बन के अमेरिका गया तो पूरा एकदम टोटली शुद्ध इंग्लिश बोलेगा, तो ये भी क्या हो गया, उसमें क्या हो रहा है, बहुभाषावाद का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अतः पाठ्यचर्य निर्धारण में भी इस बहुभाषिता को स्थान दिया जाना चाहिए। देखिए आजकल फेसबुक है, फेसबुक पर लोग फ्रेंड बनाते हैं, तो क्या वो कहीं के हो सकते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान कहीं के हो सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, भाषा का उनका विकास हो रहा है। अब इंडिया के लोग से यहाँ का जो हिंदीवासी है वहाँ का लोग हिंदी सीख रहा है, यहाँ का वहाँ बात कर रहा है कोई जापान, जापनी सीख रहा है। तो कहने का सेंस है बहुभाषा का जन्म हो रहा है और बढ़ रहा है बहुभाषिता। तो करिकुलम निर्माता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो करिकुलम निर्माण करे तो इस पर ध्यान दे कि भाषा विविधता को भी उसमें शामिल किया जाए। इसीलिए तो आजकल समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे रहेंगे तो अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो उसे क्या होगा, बहुभाषिता का मतलब जन्म होगा, मैंने विकास होगा, और बहुभाषिता तो है ही, बहुभाषिता का विकास होगा और बच्चे एक दूसरे के प्रति सम्मान की दृष्टि से देखेंगे एक दूसरे के संस्कृति को, भाषा को और धर्म को। इसके बावजूद वो कई प्रकार के अवसर भी देती है। भारत में 5 भाषा परिवार है। देखिए हमारा देश ऐसे है जहाँ पर भाषाओं को भी परिवार में रखा गया है। तो ये भाषा परिवार को देखिए क्वेश्चन इसमें सीटेट में एकदम श्योर है पूछता है। तो भाषा परिवार में देखिए एक इंडो आर्यन है। इंडो आर्यन को बोला जाता है भारतीय भाषा, जिसमें हिंदी संस्कृत आता है। ठीक है, और द्रविड़ में आपको दक्षिण का भाषा आता है मलयालम, तमिल। ऑस्ट्रो एशियाटिक में आपको मध्य का मतलब आता है, जो मध्य भारत का मतलब हो गया झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो भी भाषाएं बोली जाती है वो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक में। और तिब्बती बर्मन अंडमानी में आपको आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का भाषा आ जाएगा, उसके बाद से आपको वहाँ लद्दाख का भाषा आ जाएगा, ये सब आ जाएगा किस में, तिब्बत बर्मन अंडमानी भाषा में। तो इस प्रकार भाषा को भी 5 भागों में बांटा गया है, जिसको आप लोग याद कर लीजिए, इंडो आर्यन यानी भारतीय, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बती बर्मन, अंडमानी, हो गया 5। तिब्बती बर्मन अंडमानी हो गया, अंडमान निकोबार का भाषा उधर का। शोध अध्ययनों द्वारा यह साबित किया गया है कि बहुभाषिता सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संसाधन है जिसकी तुलना किसी भी राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है। देखिए हमारे शोधों से पता चला है कि जो ये बहुभाषिता है सामाजिक यानी सोशल और नेशनल स्तर पे ऐसा संसाधन है, ऐसा रिसोर्स है
जिसकी तुलना किसी भी राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है। बहुभाषिता को क्या बोला जाए, क्या कहा जा रहा है कि इसकी तुलना राष्ट्रीय संसाधन से की जा सकती है। बहुभाषिता एक रणनीति है जिससे कई भाषाओं के सीखने के मार्ग प्रशस्त होते हैं। देखिए, यदि बहुभाषिता क्या है, बहुभाषिता एक रणनीति है, एक ऐसा नीति है जिससे कई भाषाएं सीखने के मार्ग प्रशस्त होते हैं। अगर बहुभाषिता क्लास में भी रहेगी तो विभिन्न प्रकार की भाषा वाले बच्चे रहेंगे, एक दूसरे से अपनी अपनी भाषा का आदान प्रदान करेंगे और सीखेंगे। तो इस प्रकार बहुभाषिता क्या करेगी, कई भाषाओं को सीखने के मार्ग प्रशस्त करेगी। अतः पाठ्यचर्या में बहुभाषिता को कार्य रूप और भाव रूप दोनों में ही अपनाने की आवश्यकता है। तो इसलिए करिकुलम निर्माता जो है वो जब पाठ्यचर्या का निर्माण करे तो कम से कम इस बात का ध्यान रखे कि बहुभाषिता को प्रोत्साहन दे, न कि समस्या माने, और उनको कार्य रूप और भाव रूप दोनों में ही अपनाने की बात करे, यानी उनको क्रियात्मक रूप और भावात्मक रूप दोनों रूप से अपनाए। तो आज हम इस टॉपिक पर विचार किए कि पाठ्यचर्या निर्माण में जो बहुभाषा है, बहु सांस्कृतिक है, जो एक समस्या है, तो करिकुलम निर्माता को कैसे इन समस्याओं को दूर कर इसको एक दूसरे के लिए अवसर जैसा समझने का अवसर देना चाहिए, मतलब अवसर समझना चाहिए, न कि इसको समस्या समझना चाहिए। तो अब हम लोग इसका निष्कर्ष निकालेंगे। करिकुलम उपयुक्त आधार पर कहा जा सकता है कि पाठ्यचर्या के निर्माण की मुख्य समस्या असमानता बहु सांस्कृतिक एवं बहुभाषिता है। देखिए, ये तो सही बात है कि करिकुलम निर्माण के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। हम तो साधारण भाषा में बोल देंगे कि बहुत आसान है, लेकिन जो करिकुलम निर्माण कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि जब इतनी असमानता है, बहु सांस्कृतिकता है, बहुभाषिता है, तो फिर हम कैसे करिकुलम का निर्माण करें कि सभी संस्कृतियों धर्मों को ठेस भी ना पहुँचे, उसका समावेशन भी हो, सभी बच्चे एक दूसरे को सम्मान की भी दृष्टि से देखें। इसके बावजूद भी यह विविधता सीखने को के अनूठे अवसर उपलब्ध कराती है। देखिए, ये तो एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसके बावजूद यह जो विविधता होती है हमारे सीखने में क्या करती है, अनूठे अवसर भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या गणित की पाठ्यचर्या भी एक तरह से भाषा का ही कक्षा होती है। देखिए, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, जो भी हो, लेकिन इसका जो करिकुलम होता है ये भी लैंग्वेज डेवलपमेंट ही करता है। गणित अगर टीचर पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स तो बच्चों को समझाएगा तो लैंग्वेज का ही ना यूज करेगा, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज यूज करे, चाहे तमिल करे, चाहे हिंदी करे, लेकिन लैंग्वेज का यूज तो करेगा, ऐसे ही बस उसका वो फार्मूला तो नहीं लिख देगा। तो हर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाइए या टीचर पढ़ाते हैं उसमें भाषा की इम्पोर्टेंस होती है। अतः भाषा को लेकर पाठ्यचर्या में ऐसी नीति अपनाने की आवश्यकता है जिससे बहुभाषिता को बढ़ावा मिले। देखिए, जब सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है तो इसीलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना चाहिए जिससे बच्चे कहानी, कविता, गीत, नाटक के माध्यम से अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ेंगे। देखिए, जब पढ़ा रहे थे नहीं कि साल भर पूरा पढ़ाइए चले, उसमें नाटक भी हो, कविता भी हो, तो इससे क्या होगा, बच्चे अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ेंगे। विश्व जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी भी एक वैश्विक भाषा है। देखिए, विश्व में जागरूकता के लिए अंग्रेजी को तो हम सभी जानते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, तो अंग्रेजी क्या है, एक वैश्विक भाषा है। तो सभी भाषाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, किसी को हेयर दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि मतलब इंग्लिश है या हिंदी है, सभी भाषाओं को सम्मानपूर्वक सीखना चाहिए और बढ़ावा मिलना चाहिए। तो इस प्रकार आज हम लोग पाठ्यचर्या निर्माण में जो समस्याएँ आती है, असमानता और बहुभाषिता, बहु सांस्कृतिक, इसके बारे में हम लोग पढ़े। आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ जाएगी। केवल आप लोग सुन भी लीजिएगा 2-3 बार तो क्वेश्चन आप लोग के जहन में बैठ जाएगा। तो इस प्रकार एक टॉपिक समाप्त होता है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे वाला जो प्रीवियस ईयर का नोट बनाऊँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। तो इस प्रकार मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।